हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो शिक्षा। ये लेक्चर टारगेट करेगा सीएसआई नेट, सेट, गेट एंड एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डीएनए पॉलीमरेज को डिटेल में किया था। डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3 के जो जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें डिस्क्राइब किया था। आज हम मेनली फोकस करेंगे डीएनए पॉलीमरेज 3 पे। सो डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 3 वो एंजाइम है जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है प्रोकैरियोट्स के अंदर। मतलब ये एंजाइम मेनली अपना जो फंक्शन है 5' to 3' पॉलीमराइजेशन का फंक्शन ये मेनली परफॉर्म करता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है प्राइमर में एक एक करके, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसके अलावा डीएनए पॉलीमरेज 3 के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो पहला फंक्शन तो ये हो गया कि ये 5' to 3' पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को एक एक करके ऐड करेगा। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा फंक्शन है इसका 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, कि कोई भी मिसमैच अगर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते करते, तो उस मिसमैच को हटाने का काम भी डीएनए पॉलीमरेज 3 कर सकता है। और उसको हटाने की जो डायरेक्शन है वो 3' to 5' डायरेक्शन है। ये दोनों जो फंक्शंस है 5' to 3' पॉलीमराइजेशन, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, इसे मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप वो वीडियो जो है देख सकते हैं। उसके बाद ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये डिस्कवर किया था थॉमस कॉर्नबर्ग ने। थॉमस कॉर्नबर्ग सन ऑफ आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग ने मेनली डिस्क्राइब किया था डीएनए पॉलीमरेज 1 को, और थॉमस कॉर्नबर्ग ने मेनली डिस्क्राइब किया है डीएनए पॉलीमरेज 3 को। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 एक होलो एंजाइम है। होलो एंजाइम मतलब इसमें बहुत सारे मल्टी सब यूनिट्स है। होलो एंजाइम मतलब ये एक मल्टी सब यूनिट स्ट्रक्चर है। डीएनए पॉलीमरेज 1 और डीएनए पॉलीमरेज 2 सिंपल स्ट्रक्चर थे, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। सो ये स्ट्रक्चर है मेनली डीएनए पॉलीमरेज 3 का, जिसमें हमें ये जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये ग्रीन जो पोर्शन नजर आ रहा है, ये है हमारा कोर सब यूनिट। सो ये हमारा मेनली ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं कोर सब यूनिट। कोर सब यूनिट जो है इसमें मेनली अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा सब यूनिट्स आते हैं। तो ये अल्फा, एप्सिलॉन और डेल्टा सब यूनिट का बना है, ठीक है। ये जो कोर सब यूनिट है ये रिस्पॉन्सिबल है पॉलीमराइजेशन एज वेल एज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के लिए। और उसके बाद ये जो दूसरा सब यूनिट है इसे हम बोलते हैं टॉ प्रोटीन, इसे बोलते हैं टॉ प्रोटीन। सो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर टॉ प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो टॉ प्रोटीन का क्या फंक्शन है? ये एक कोर सब यूनिट है, ये दूसरा कोर सब यूनिट है, ठीक है। इन दोनों को डाइमराइज कर रखने का काम जो है ये टॉ प्रोटीन करता है। मतलब इन दोनों को एक तरीके से बोल सकते हैं पकड़ कर रखने का जो काम है ये टॉ प्रोटीन का है, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला सब यूनिट, इसको हम बोलते हैं गामा कॉम्प्लेक्स या फिर क्लैंप लोडर। क्लैंप क्या है? ये है क्लैंप। ये वाला जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इस तरीके से डोनट शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है बीटा क्लैंप का, या स्लाइडिंग क्लैंप बोल लीजिए, या फिर इसको बोल सकते हैं हम बीटा क्लैंप। इसका डोनट शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको होल्ड करने का काम होता है क्लैंप लोडर का। क्लैंप लोडर इसको होल्ड करके डीएनए की स्ट्रैंड के ऊपर लोड करता है, और फिर जो है डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होती है। तो एक कोर सब यूनिट क्या बनाएगा? एक कोर सब यूनिट लीडिंग स्ट्रैंड बनाएगा और दूसरा कोर सब यूनिट जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड बनाएगा। सो इसको और डिटेल में अभी हम आगे देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या है? सब यूनिट्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड देयर फंक्शंस। क्या क्या सब यूनिट है डीएनए पॉलीमरेज 3 के? तो ये क्या है? ये हमारा कोर सब यूनिट है, ठीक
ठीक है, ये हमारा कोर सब यूनिट है. कोर सब यूनिट कौन सा होगा? जो मेनली पॉलीमराइजेशन एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी परफॉर्म करेगा. तीन कोर सब यूनिट्स होते हैं, एक है अल्फा, एक है एप्सिलॉन और एक है थीटा. उसके बाद आता है टॉ सब यूनिट, ये है टॉ सब यूनिट. टॉ सब यूनिट क्या करता है? ये डीएनए पॉलीमरेज को डाइमराइज करवाता है. डीएनए पॉलीमरेज को, डीएनए पॉलीमरेज के कोर सब यूनिट को होल्ड करने का काम करता है. इसके बाद आता है गामा कॉम्प्लेक्स. तो जो क्लैंप लोडर है, जिसे हम बोलते हैं गामा कॉम्प्लेक्स, तो गामा कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आता है? गामा कॉम्प्लेक्स में आता है गामा सब यूनिट, डेल्टा सब यूनिट, डेल्टा डैश, काई सब यूनिट एंड साई सब यूनिट. एंड लास्ट में क्या आता है? लास्ट में आता है स्लाइडिंग क्लैंप. स्लाइडिंग क्लैंप मतलब बीटा सब यूनिट, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लाइडिंग क्लैंप ही वो एक इम्पॉर्टेंट सब यूनिट है जो डीएनए पॉलीमरेज 3 को मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम बनाता है. सो ये जो गामा है, जिसे हम क्लैंप लोडर बोलते हैं, ये स्लाइडिंग क्लैंप को डीएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड करवाता है, ठीक है. सो ये क्लैंप लोडर ही है जो स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करवाता है डीएनए पे और हेल्प करता है रेप्लिकेशन करने के लिए. सो फंक्शंस देख लेते हैं कि इन सब यूनिट्स के क्या क्या फंक्शन हैं. तो कोर पॉलीमरेज में तीन सब यूनिट्स आते हैं, अल्फा, एप्सिलॉन एंड थीटा. अल्फा सब यूनिट का फंक्शन होता है 5' to 3' पॉलीमराइजेशन करना. एप्सिलॉन करता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब होता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, एंड थीटा सब यूनिट का फंक्शन है कि ये एप्सिलॉन सब यूनिट को हेल्प करता है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करने के लिए. इसके अलावा लिंकर प्रोटीन, लिंकर प्रोटीन क्यों बोला है? क्योंकि ये लिंक करता है दो कोर सब यूनिट्स को, ठीक है, ये डाइमराइज करता है कोर को. तो ये टॉ प्रेजेंट है और टॉ जो है ये दो कोर कॉम्प्लेक्स, दो कोर सब यूनिट्स, एक कोर सब यूनिट ये है और एक कोर सब यूनिट ये है, इन दोनों कोर सब यूनिट्स को लिंक करने का काम करता है आपस में, ताकि ये लिंक रहे. इन दो कोर सब यूनिट्स को लिंक रखता है, डाइमराइज करके रखता है, इसे हम बोलते हैं टॉ सब यूनिट. इसके अलावा क्लैंप लोडर में आता है गामा, जो बाइंड करता है एटीपी के साथ, डेल्टा जो बाइंड करता है बीटा के साथ, बीटा क्लैंप के साथ, डेल्टा डैश जो बाइंड करता है गामा के साथ और बीटा के साथ, काई सब यूनिट जो बाइंड करता है एसएसबी. सो एसएसबी क्या है? एसएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? एसएसबी की फुल फॉर्म होती है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन. तो एक बार जैसे ये डीएनए है, तो जब हेलिकेस एंजाइम लोड होता है और डीएनए को अनबाउंड करता है, तो जैसे यहाँ पे डीएनए अनबाउंड हो गया, तो जब डीएनए अनबाउंड होता है उसके बाद ये एसएसबी प्रोटीन्स जो है ये आके लोड हो जाते हैं. फंक्शन क्या है इन एसएसबी प्रोटीन का? कि एक बार अगर डीएनए अनबाइंड हो गया तो उसको अनबाइंड ही रखना जब तक रेप्लिकेशन ना हो जाए. मतलब इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है प्रिवेंट करना री अनिलिंग को. मतलब एक बार जब डीएनए अनवाइंड हो गया है, उसके बाद वो दोबारा से डीएनए वाइंड कर जाएगा तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी. तो डीएनए स्ट्रैंड को अनवाइंड कर रखने का जो काम होता है ताकि डीएनए रेप्लिकेशन हो सके, तो वो फंक्शन है एसएसबी प्रोटीन का. तो काई सब यूनिट जो होता है वो एसएसबी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है. इसके बाद आता है साई सब यूनिट. साई सब यूनिट जो है ये काई सब यूनिट और गामा सब यूनिट के साथ बाइंड रहता है. इसके अलावा हम बात करते हैं स्लाइडिंग क्लैंप का. स्लाइडिंग क्लैंप कौन सा है? बीटा. स्लाइडिंग क्लैंप को हम बोलते हैं बीटा क्लैंप और ये मेन प्रोसेसिविटी फैक्टर है. तो डीएनए पॉलीमरेज 3 ही क्यों मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम है? क्योंकि उसमें बीटा क्लैंप सब यूनिट प्रेजेंट है जो हेल्प करता है डीएनए स्ट्रैंड्स को डीएनए पॉलीमरेज के साथ बाइंड होने में ज्यादा देर तक. क्योंकि जब तक डीएनए पॉलीमरेज डीएनए स्ट्रैंड के साथ बाइंड है तभी तक डीएनए रेप्लिकेशन हो सकती है. तो डीएनए पॉलीमरेज को डीएनए के साथ बाइंड कराने का जो काम होगा वो बीटा क्लैंप करता है, होल्ड जो करता है वो बीटा क्लैंप करेगा. इसलिए बीटा क्लैंप जो है वो मेन प्रोसेसिविटी फैक्टर है. आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. अगले लेक्चर में हम क्लेनो फ्रेगमेंट की बात करेंगे.
थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।